अब अभिमन्यु को तबाह करने के लिए किस हद तक जाने वाली है अक्षरा? वेल दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। एक तरफ जहां अभिनव की डेथ हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को इससे गहरा सदमा पहुंचने वाला है, जिसके बाद अक्षरा जो है वो काफी परेशान होने वाली है। पर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि अब अक्षरा जो है अभिमन्यु से नफरत करने वाली है, तो क्या अक्षरा की नफरत की आग में अभिमन्यु अब जलेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं अक्षरा जो है अब अभिमन्यु को तबाह करने के लिए उसके खिलाफ केस करने वाली है, और वो केस भी वो खुद ही लड़ेगी। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होने वाला है सीरियल के आने वाले ट्रैक में। बस सबसे पहले आज आपको दिखाया जाएगा जहां अभिनव बेड पर लेटा हुआ होता है, उसकी मौत हो चुकी है, वहीं पूरा परिवार भी मौजूद होता है। पूरे परिवार से अक्षरा की हालत देखी नहीं जाती, वहीं मंजरी जो है उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अक्षरा जो है बहुत परेशान है, पागलों की तरह हंस रही है, कभी रो रही है, क्योंकि उसको गहरा सदमा लगा है। वहीं पूरा परिवार उसे समझने की कोशिश कर रहा है, सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अक्षरा समझने को तैयार ही नहीं। वहीं अक्षरा और पूरा परिवार घर लौटकर वापस जाता है, जहां अक्षरा जो है अभीर को कुछ नहीं बताती है। वहीं आप देख सकते हैं आरोही जो है वो अक्षरा की तकलीफ को समझ पा रही है, वो सुरेखा से बातें करती है। जब सुरेखा कहती है पता नहीं अक्षरा का दर्द कभी कम होगा भी या नहीं, इस बात पर आरोही कहती है ये दर्द कभी खत्म नहीं होता चाची, ये दर्द जो है हमेशा रह जाता है क्योंकि मैंने ये दर्द भुगता हुआ है। वहीं अक्षरा जो है परेशान है, रो रही है। अब अभीर को आप देखेंगे तो अभीर रूही दोनों बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को अभी पता ही नहीं है कि अब अभिनव इस दुनिया में है ही नहीं। वहीं मनीष जो है कहीं ना कहीं अभीर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सबके सब रोए जा रहे हैं। वहीं अब अक्षरा जो है उसका नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं अक्षरा का अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा, जहां पूरा परिवार तैयार है और केस की सुनवाई है। जहां पर अक्षरा आती है और पूरे परिवार के सामने कहती है अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को लगता है मैं बहुत कमजोर हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं तो अभिमन्यु को सजा दिलवा कर रहूंगी। अब वही अगला सीन दिखाया गया है किस तरह से सबके सब पहुंच चुके हैं कोर्ट के बाहर, जहां अक्षरा अभिमन्यु आमने सामने खड़े हैं। अभिमन्यु अक्षरा से उसका हाल अभीर का हाल पूछता है, तो इस पर अक्षरा बौखला जाती है और बौखलाते हुए कहती है तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अभीर जो है उसके सर पे से पिता का साया उठ चुका है। ये बात सुनकर अभिमन्यु काफी परेशान हो जाता है, लेकिन जो नफरत अक्षरा के मन में है वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे वो अभिमन्यु को धीरे धीरे तबाह करेगी। पर आपका क्या कहना है कि अक्षरा ऐसा कर पाएगी या फिर से ये दोनों एक हो जाएंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।